करते कल बेरूत में जबरदस्त धमाके हुए, आईडीएफ ने जैसे एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब बारी नसरल्लाह की है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम कमांडर ढेर हो रहे हैं, उसके बाद नंबर टू ढेर हो गया और अब नसरल्लाह की बारी है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। इजराइल ने हिजबुल्ला के गढ़ पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। हिजबुल्ला पर ऐसा प्रतिघात किया कि उसके नंबर दो का खात्मा हो गया। बेरूत में हिजबुल्ला के मुख्यालय को इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने टारगेट किया और एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। ये वो दो तस्वीरें हैं जिससे पूरा लेबनान दहल उठा। पहली तस्वीर हिजबुल्ला के कमांड सेंटर पर हमले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद मलबे में तब्दील हुए नसरल्लाह के मुख्यालय की। करीब 10 दिन से इजराइल हिजबुल्ला पर वार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात को तबाही इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में मचाई। वो हिजबुल्ला पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल के लेबनान के अंदर घुसकर बंकर बस्टर बम से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। ऐसी बम वर्षा की गई कि पूरा मुख्यालय तबाह हो गया। बेरूत पर जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स ने अग्नि वर्षा की, उससे वहां के नागरिक दहल उठे। हर तरफ कोहराम मच गया। एक के बाद एक बरसते आग के गोले से तहिए का आसमान नारंगी रंग में बदल गया और हवा में घुल गई बारूद की गंध। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में यूएनजीए को संबोधित करने के बाद फोन पर अपने ब्रिगेड को हिजबुल्ला के खात्मे का आदेश दिया और कुछ ही देर में इजरायली एयरफोर्स ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के इरादे से उसके कमांड सेंटर पर हवा बोल दिया। शायद हिजबुल्ला चीफ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उसका नंबर दो हासिम सफी अल दीन मारा गया। हमले के बीच नेतन्याहू यूएनजीए की बैठक छोड़कर इजराइल लौट आए, तो दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल अपनी अगली रणनीति के तहत काम करेगा और उसे उसकी जगह पहुंचा कर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिहार के मौसम विभाग ने बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है। कुल 13 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग इलाकों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है बिहार में मौसम विभाग की ओर से। तो कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है और इन 13 जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहना होगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में बारिश के चलते हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में जोरदार बारिश हुई है और जोरदार बारिश के चलते देखिए महाकाल मंदिर के आसपास पानी भी जमा हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है चारों तरफ। और हिमाचल में भी जहां तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिर गई है, दो लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, और महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिरने के बाद दो लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो चुके हैं। यह हादसा हुआ है बड़ा, क्योंकि बारिश के चलते कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी के चलते हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश अब जानलेवा हो गई है। महाकाल नगरी उज्जैन में उज्जैन मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार गिर गई और इसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भादों में भयंकर बरस रहे बादल, जोरदार बारिश और हादसा, जानलेवा हो गई बारिश। महाकाल मंदिर के पास गिरी दीवार, 2 लोगों की गई जान, कई घायल। सावन में जोरदार बारिश के बाद अब सितंबर यानी भादों में भी बारिश कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश जानलेवा बन गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के पास बनी एक दीवार जोरदार बारिश के बाद गिर गई, जिसमें कई लोग दब गए। इनमें से 2 की जान चली गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर 1 महिला 1 पुरुष की मृत्यु हुई है और 2 लोग, 1 बच्ची है और 1 और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पास महाराजा बड़ा स्कूल, जिसको हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उसकी दीवार गिरी थी, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। इधर हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। खास तौर पर इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर में जोरदार बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है हिमाचल से, जहां अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी और अब संघर्ष समिति का प्रदर्शन होगा। और ये भी पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर 5 अक्टूबर तक फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा। तो तस्वीरें आप लगातार वहां से प्रदर्शन की देख पा रहे हैं और अब संघर्ष समिति ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जाहिर तौर पर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अब जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है कि 5 अक्टूबर तक अगर फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। महीनों गुजर गए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं सुलझा। संजौली के अवैध मस्जिद का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। 1 साल पहले शुरू हुआ यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू